मणिपुर की राजधानी इम्फाल में छात्रों के बड़े प्रदर्शन को लेकर खबर है और इम्फाल में छात्रों ने राजभवन मार्च किया है। आपको बता दें, हाल ही में हुई हिंसा के खिलाफ सड़क पर छात्र और केंद्र से यूनिफाइड कमांड देने की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों की सड़क पर बैठकर नारेबाजी की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, राज्य के डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की ये मांग कर रहे हैं। मणिपुर में छात्रों के प्रदर्शन की ये तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, जहां सवाल यही है, मणिपुर में शांति कब लौटेगी? और छात्रों के जोरदार प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आई, जहां इम्फाल में सड़क पर छात्र आए और राजभवन तक मार्च निकाला। उग्रवादियों पर एक्शन को लेकर यहां सवाल उठाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, यहां तक कि डीजीपी को हटाने की मांग की गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग क्या है, सुनिए। So we want the central government, the concerned authority, the governor to give the unified command to our honorable chief minister and to regulate the actions of Assam Rifles, the central forces and all the misconducts. We are here in front of the governor because we would like to request him to give the unified command to our honorable chief minister within 24 hours. अब आपको बताते हैं कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार से क्या मांग की है, जिससे राज्य में शांति कायम हो सके, क्योंकि सवाल यही है कि कब शांत होगा मणिपुर। सीएम की तरफ से की गई मांग के बारे में जानकारी आपके सामने। केंद्र से यूनिफाइड कमांड की मांग की गई है, राज्य की ज्यादा पावर, जिम्मेदारियां मिले, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, समझौता रद्द हो, क्योंकि उग्रवादियों के साथ ऐसे SOO समझौता है, और कुकी उग्रवादियों पर फुल एक्शन हो, राज्य में NRC की प्रक्रिया शुरू हो और बॉर्डर के इलाके में बारबंदी का काम पूरा, अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाए।